राक्षस भले ही काल्पनिक होते हैं, पर हमारे बीच रहने वाले जानवर कभी कभी इतने विशालकाय हो जाते हैं कि किसी दानव से कम नहीं लगते। लेकिन किसी जानवर को दानव मानने का क्राइटेरिया क्या होगा भाई? यही कि वे जानवर आकार में बड़े और दिखने में डरावने होने चाहिए। पेश हैं ऐसे ही 10 सबसे दानवकाय जानवर। नंबर 10, लेक शॉर्टार्ड की एलिगेटर गार। मगरमच्छ, मछली और डायनासोर के क्रॉस की तरह दिखने वाली एलिगेटर गार अमेरिका के मीठे पानी की सबसे तेज मछली है। इसके लंबे से जबड़े नुकीले दांतों से भरे होते हैं, जिसकी वजह से ये शिकारी मछली बेहद खतरनाक दिखती है। कहा जाता है कि ये 3 मीटर या 10 फीट की लंबाई और 140 किलो या फिर 300 पाउंड के भार तक पहुंच सकती है। पर आज तक पकड़ी जाने वाली सबसे बड़ी एलिगेटर गार की लंबाई 2.6 मीटर और वजन 148 किलोग्राम था। इस मछली को प्रोफेशनल फिशरमैन कैनेडी विलियम्स ने मिसिसिपी की लेक शॉर्टार्ड में पकड़ा था और इसे जहाज पर खींचना बहुत ही मुश्किल था। बायोलॉजिस्ट का मानना है कि ये गार करीब 50 से 70 साल पुरानी थी। बाद में एक कलाकार ने उसे इस आकृति के जरिए फिर से जिंदा कर दिया। नंबर 9, पजेसन बे की सदर्न एलिफेंट सील। ये ना सिर्फ अटलांटिक की सबसे बड़ी सील हैं, बल्कि ये तो पृथ्वी का सबसे बड़ा जीवित मांस भक्षी है। इनकी नाक देखकर अंदाजा लग गया होगा कि इन्हें ये नाम क्यों मिला। नर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए आपस में लड़ते हैं, जो उनके विशालकाय आकार के चलते घातक भी साबित होता है। नरों का आकार मादाओं के मुकाबले 3 गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है और ये 2200 से 4000 किलो भार और 4.2 से 5.8 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। लेकिन एनिमल रिकॉर्ड्स की माने तो आज तक का सबसे बड़ा मेल 1913 में साउथ जॉर्जिया में मारा गया था, जो कि 6.85 मीटर लंबा था और इसका भार इतना ज्यादा था कि उस वक्त नापा नहीं जा सका। फिर भी ये करीब 500 किलोग्राम से ज्यादा ही भारी था। नंबर 8, मेडुसा द रेटिकुलेटेड पाइथन। ये सांप इतना डरावना है कि इसे कैंसर सिटी में द एज ऑफ हेल के नाम से एक हॉरर हाउस में रखा गया है। गिनीज ने मेडुसा को दुनिया के सबसे लंबे सांपों के रूप में मान्यता दी है। मेडुसा 7.67 मीटर लंबी है। साल 2013 में इसका वजन करने के लिए इसको उठाने में 15 आदमी लगे थे। मेडुसा की भूख शांत करने के लिए इसे हिरन, सुअर और खरगोश आदि की खुराक दी जाती है। उस वक्त मेडुसा मात्र 8 साल की थी और अभी उसके पास जीने के लिए 25 से 30 साल और हैं। नंबर 7, मायक्लोंग नदी की जायंट फ्रेश वाटर स्टिंगरे। इंडो चाइना और बोर्निया की बड़ी नदियों में पाई जाने वाली इस स्टिंगरे की रीढ़ दुनिया की बाकी स्टिंगरे से लंबी होती है। भले ही मेकोंग जायंट कैटफिश और बेलुगा स्टीरियोजियोन आकार में बड़ी हों, पर स्टिंगरे देखने में ज्यादा डरावनी लगती है। दावा किया जाता है कि ये स्टिंगरेज भार में करीब 600 किलोग्राम और 5 मीटर की लंबाई तक पहुंच सकती हैं। सही है कि गलत बता पाना मुश्किल है, क्योंकि इन्हें तौल पाना लगभग नामुमकिन है। इनके बड़े सरफेस एरिया और खुद को बालू में धसा लेने की आदत की वजह से मछुआरों को इन्हें बाहर खींचने में काफी दिक्कत होती है। आज तक का पकड़ा गया सबसे बड़ा जाइंट 350 किलोग्राम का था, जिसे टीवी नेचर के स्टार जेफ कॉर्विन ने अपनी टीम के साथ पकड़ा था। इसे थाईलैंड की मायक्लोंग नदी में पकड़ा गया था और ये 4.3 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा था। नंबर 6, मैसाचुसेट्स खाड़ी की जायंट जेलीफिश। 2.5 मीटर तक चौड़ाई वाली लाइंस मेन जेलीफिश दुनिया की सबसे बड़ी जेलीफिश है। इसका साइज भले ही डरावना लगे, पर इसके डंक से आपकी मौत नहीं होने वाली। साल 2010 में एक मरी हुई जेलीफिश की बॉडी से करीब 150 लोगों को डंक लगा। इसका सबसे बड़ा नमूना 1870 में मैसाचुसेट्स खाड़ी में रिकॉर्ड किया गया था, जिसके एक टेंटकल की लंबाई 73 मीटर थी। नंबर 5, खारे पानी का मगरमच्छ लोलोंग। इस मगरमच्छ ने तो इतिहास के उस समय की झलक दिखा दी जब पानी में दैत्याकार जीव घुमा करते थे। इस मगर को 3 हफ्ते की तलाश के बाद साल 2011 में फिलीपींस में पकड़ा गया और इसकी लंबाई 6.3 मीटर और वजन 1100 किलोग्राम था, यानी करीब 4 लोगों से लंबा और 82 किलोग्राम के 13 आदमियों से ज्यादा भारी। इस मगर को बनावन इको पार्क में रखा गया था, जहां साल 2013 में
50 साल की लगभग इसकी उम्र होगी तब इसकी मौत हो गई। नंबर 4, सैन डियागो की जाइंट ओर फिश। किसी रिबन जैसी दिखने वाली ये मछलियां पृथ्वी पर सबसे पुराने समय से रहने वाली हड्डीदार मछलियां हैं। पहले ये कभी कभार ही दिखाई पड़ती थी। इन मछलियों को देखकर समुद्री सांपों के कई हिस्सों का रहस्य साफ हो जाता है, क्योंकि खतरा महसूस होने पर ये सांप की तरह अपना सर पानी से ऊपर उठाकर भाग लेती हैं। 1000 मीटर से ज्यादा की गहराइयों में रहने की वजह से ये कम ही दिखाई पड़ती हैं, और हमें इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इसका सबसे बड़ा रिकॉर्डेड स्पेसिमेन 11 मीटर लंबा और 272 किलोग्राम भार का था, पर सैन डियागो की साल 2007 की इस फोटो में नजर आने वाला ये 7 फीट का जाइंट शायद दुनिया का सबसे बड़ा फोटोग्राफ्ड इंडिविजुअल है। कुछ लोगों का मानना है कि ये 17 मीटर तक की हो सकती हैं, जो वाकई यकीन करने लायक तो बिल्कुल नहीं है। नंबर 3, डीप ब्लू द ग्रेट व्हाइट शार्क। मेगेलोडॉन भले ही विलुप्त हो चुके हों, पर कुछ लोग ऐसा नहीं मानते। वैसे महानगरों का 94% हिस्सा अभी भी खोजा जाना बाकी है, सो क्या पता आगे क्या हो। यहाँ तक कि डीप ब्लू नाम से जाने जाने वाली आज तक की सबसे बड़ी ग्रेट व्हाइट शार्क भी साल 2013 में जाकर खोजी गई। 7 मीटर लंबी और 3300 किलोग्राम भारी इस शार्क को माइकल मेयर ने गोता चलाते वक्त रिकॉर्ड किया था। ये भले ही दानव काय हैं, पर साथ ही शानदार भी हैं। अगर आप सचमुच थोड़ा सा बदसूरत जानवर देखना चाहते हैं तो गोब्लिन या फ्रिल्ड शार्क्स को देख लीजिए। नंबर 2, हरक्यूलिस द लाइगर। लाइगर कोई काल्पनिक जीव नहीं है, बल्कि ये तो नर शेर और मादा बाघ के मिलने से पैदा होते हैं। ये हाइब्रिड विगर की वजह से इतने बड़े होते हैं, जिसमें माँ और बाप दोनों के बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफस्प्रिंग में कंबाइन हो जाते हैं। दुनिया में 100 से भी कम लाइगर हैं, और ये कुदरती तौर पर तो होते नहीं हैं, क्योंकि शेर और बाघ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। दुनिया का सबसे बेहतरीन लाइगर साउथ कैरोलिना के मर्टल बीच वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क में रहता है। हरक्यूलिस अपने माँ बाप के कंबाइंड साइज से भी ज्यादा बड़ा है। ये 410 किलोग्राम भारी और 4 मीटर ऊंचा है, यानी ये आकार में सेबर टूथ से भी ज्यादा बड़ा है। नंबर 1, अंटार्कटिका के पास विशालकाय स्क्विड्स। मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, आप इन्हें गलती से क्रेकिन समझ सकते हैं। गहराइयों में रहने वाले अभी ऐसे सिर्फ 8 ही दानव मिले हैं, जिससे पता चलता है कि अभी कितना कुछ खोजा जाना बाकी है। अंटार्कटिक के इन बाशिंदों के 3 हृदय और तेज धार हुक वाले टेंटिकल होते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े स्क्विड होने के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी आंखों वाले प्राणी भी हैं। इसे सबसे पहले 1925 में देखा गया था, जब ये एक मरी हुई स्पर्म वेल के पेट में मिली थी। इसका सबसे बड़ा स्पेसिमेन साल 2007 में पकड़ा गया। न्यूजीलैंड के नेशनल म्यूजियम में रखे इस स्पेसिमेन की लंबाई 10 मीटर और वजन 500 किलोग्राम है। वैसे साल 2003 में मिले एक अवयस्क नमूने से पता चलता है कि इनकी लंबाई 14 मीटर तक और वजन 750 किलोग्राम तक हो सकता है। इस हिसाब से तो ये जाइंट स्क्विड से भी ज्यादा बड़ी हुई, क्योंकि इनमें से ज्यादातर जानवरों की खोज अभी हाल ही में हुई है। मन में सवाल उठता है कि ना जाने अभी किस किस तरह के जानवर खोजे जाने बाकी हों। आपको क्या लगता है, अभी और भी दानव खोजे जाने बाकी हैं या नहीं? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।